हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। आज मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। और सोलेनोइड क्या होता है, जरा मैं इसको बता दूं कि सोलेनोइड होता है एक सिलिंड्रिकल कोई वेसल लीजिए और उस पर वायर को लपेट दीजिए और उससे होकर करंट फ्लो करा दीजिए। दिस इज करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड है, उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखें कैसे निकलता है। सपोज कीजिए कि यह आपका करंट कैरिंग सोलेनोइड है। ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है और इसमें यह सपोज कीजिए कि यह बैटरी हमने जोड़ दिया इससे और इससे होकर करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। और सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है। तो मैं लिखता हूं साथ साथ, कंसीडर ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड हैविंग करंट थ्रू इट इज आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे एम्पियर्स लॉ का ही एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। हम एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर निकालेंगे। तो इसको हम इस फिगर को जरा मैं दिखा रहा हूं फिर अलग से, फिर यह कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड है और हम करंट को दिखा रहे हैं ऐसे जाते हुए करंट दिखा रहे हैं। तो करंट यहां पर होगा अंदर की ओर और यहां करंट निकल रहा होगा बाहर की ओर। तो इधर करंट को बाहर की ओर दिखा रहे हैं, ऐसा डॉट से दिखा रहे हैं बाहर की ओर करंट, और अंदर की ओर करंट हम दिखा रहे हैं क्रॉस के द्वारा। और कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, आप याद कीजिए कि इसके लिए हमने कोई एम्पिरियन लूप की कल्पना की थी। जब भी हमको मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि एक सिमेट्रिकल लूप खींचते थे। हम यहां भी P पर निकालना है तो P से होते हुए एक एम्पीरियन लूप खींचते हैं। एक एम्पीरियन लूप हमने खींचा। सपोज कीजिए कि यह एम्पीरियन लूप है। इस लूप का लेंथ हमने मान लिया कि L है और ब्रेड्थ इसका B है। ड्रॉ ए एम्पीरियन लूप थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर। लेट the length and breadth of the loop are L and B respectively। यह हमने माना। अब एम्पीरियन लूप हमने खींच लिया, तब हमें क्या करना पड़ेगा,
इस एम्पिरियन लूप का कोई डायरेक्शन असाइन करना होगा। हम कोई भी डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं, क्लॉकवाइज कर सकते हैं या अनक्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही असाइन कर लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं और इस लूप का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी ए एक लूप है और इसी लूप के अंदर हम देख रहे हैं ये दोनों बी एक ही हो गया, तो ऐसा ब्लेड्स भी बी ही माने हैं, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका नाम, इसका नाम रख देते हैं रहने दीजिए एबीसीडी, यही नाम रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब हम देखें कि डायरेक्शन हमने असाइन किया क्लॉकवाइज, assign the direction of the loop, let it is clockwise। हमने मान लिया clockwise, जरूरी नहीं है कि हम clockwise ही माने, हम anti clockwise भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने clockwise माना। अब हम इस पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बी डॉट डीएल करेंगे। तो हियर नाउ टोटल बी डॉट डीएल क्या होगा पूरे लूप में, बी डॉट डीएल कहां से कहां तक, पूरे लूप में। जब पूरे लूप में हम जब निकालेंगे तो पहले ए से बी तक निकालेंगे, तो यह करते हैं बी इंटू एल बी और इस डॉट डी एल कहां से कहां तक, ए से बी तक। ए से बी तक मतलब क्या हुआ, जीरो से एल तक के लिए, जीरो से लेकर एल तक, प्लस बी डॉट डी एल बी से सी तक के लिए करते हैं। तो बी डॉट ये सब खुला हुआ है, यहां यह पूरे लूप की बात करते हैं इसलिए इसको क्लोज कर रहे हैं। तो बी डॉट डी एल कहां से कहां तक, बी से सी तक, तो यह लेंथ कितना है, जीरो से बी है यह लेंथ। चलिए फिर प्लस सी से डी तक करें, बी डॉट डी एल सी से डी तक के लिए कितना होगा, जीरो से लेकर एल तक, और फिर बी डॉट डी एल कितना होगा, जीरो से लेकर बी तक, इस दिशा में जीरो से बी करेंगे। एक बात देखें कि यहां बी डॉट डी एल का वैल्यू जीरो होगा, यहां बी डॉट डी एल का वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, इसलिए जीरो होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसको देखिए अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होना चाहिए था, इधर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए था। तो बी इधर है और डीएल इधर हम ले रहे हैं बी इंटू बी, तो बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो, सो यह वैल्यू जीरो होगा बी डॉट डीएल। यहां हम देखें कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और ये दोनों एक दूसरे को यहां काउंटर बैलेंस कर देगा, इसलिए इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम जीरो कर देंगे। और ये जो है फिर बी डॉट डी एल जो होगा वह दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री या 270 कह सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में यह भी जीरो होगा, यह तीनों जीरो हो गया, इसलिए बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा, केवल बी इंटू एल के बराबर होगा। इसलिए बी डॉट डी एल आगे लिखेंगे, देयरफॉर बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा पूरे लूप के लिए, बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा बी इंटू टू एल, बी डॉट एल हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। नाउ यूजिंग एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई, हमने पढ़ा था म्यू नॉट इंटू, अब इस लूप के अंदर आई का वैल्यू कितना हो सकता है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में एन टर्न है, तो यह लेंथ यहां से यहां तक एल माने हैं, तो L लेंथ में कितने टर्न होंगे, एन एल टर्न होंगे, तो एक टर्न से I करंट जा रहा हो तो एन एल टर्न से कितना करंट जाएगा, एन एल आई जाएगा, और इस करंट का डायरेक्शन हम क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे कि नेगेटिव देंगे, तो इसको देखें कि यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप इसके लिए आपको याद दिला रहा हूं मैं कि इसके लिए हम अपने लूप के डायरेक्शन में करंट को असाइन कर, करंट का डायरेक्शन के, करंट के डायरेक्शन में हम अपने हाथ को कर्ल करते हैं, अंगूठा का डायरेक्शन पॉजिटिव साइन बताता है, तो यह साइड पॉजिटिव है और करंट भी इसी साइड में जा रहा है, इस लूप के अंदर इसी साइड में जा रहा है, इसलिए करंट हम लेंगे पॉजिटिव, तो लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एन एल आई, एन एल क्यों लेंगे कि n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो एक टर्न में n, एक टर्न में i करंट है, तो n टर्न में n टर्न है, तो l लेंथ में कितने टर्न है, यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो l लेंथ में एन एल टर्न है, एक टर्न से i करंट, तो एन एल टर्न से कितना करंट, एन एल आई, इसको इक्वेशन दो मान लीजिए। अब एक और दो को इक्वेट करें, इक्वेटिंग वन एंड टू वी गेट बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल विल बी कैंसल्ड, सो बी बराबर है म्यू नॉट इंटू एन आई, इसको आप ध्यान से देखिए, यही आपका एक्सप्रेशन है। अगला टॉपिक हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड, तो अगला टॉपिक जो होगा वह हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड, जो कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।